I'm switching back to counts. I'm discussing probability. देखिए मैं बेसिक से डिस्कस कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू स्टडीड दिस इन क्लास इन योर एकेडमिक डेज व्हाइल इन स्कूल और नॉट, इट वोंट रियली मेक अ डिफरेंस. अगर आपने अभी तक की कोई भी क्लास क्वांट की नहीं देखी है तो भी इट वोंट मेक अ डिफरेंस. इफ यू आर ब्लडी गुड इन मैथ्स इट विल मेक अ डिफरेंस. आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ शायद वो पहले से आता होगा. ठीक है, ईदर वेज ट्राई टू व्यू इट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. सुनिएगा, एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स विद अ कॉइन टॉस. आइए देखते हैं, मुझे बताइए अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है. देयर कैन बी अ हेड, देयर कैन बी अ टेल, सो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, यस नो, है ना. इफ आई से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ कॉइन टॉस, व्हाट इज दैट. The probability is 50%. Why do you say so? Because ये मेरी requirement है और ये मेरी possibilities है. ठीक है ना, तो number of possibilities is 2, number of requirements is 1, so this is 1/2 which is 50%. Yes, no? पक्का. मान लो मैंने दो coin toss किए, ये वैसे अभी इग्नोर कर सकता था पढ़ाना, बट आई एम श्योर ये आप लोगों से खुद ही बन जाएगा इसलिए पढ़ा रहा हूं. मैंने दो कॉइन टॉस किए तो व्हाट आर द इवेंचुअलिटीज. पहले वाले में हेड आ सकता है, दूसरे वाले में क्या आ सकता है, एक और हेड आ सकता है, या फिर पहले वाले में हेड आया दूसरे वाले में टेल आ गया, फर्स्ट वाले में टेल आया सेकेंड वाले में हेड आ गया, फर्स्ट कॉइन टॉस में टेल आया सेकेंड कॉइन टॉस में टेल आ गया. Correct. If I say what is the probability of getting two heads, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे एच एच चाहिए. ठीक है, आई एम आस्किंग फॉर दिस प्रोबेबिलिटी. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, 1/4. हाँ या ना? Yes, sir. If I am saying I need two tails, this is This is again 1/4. Now I'm asking for this one. Pakka. If I'm asking for one head and one tail, this is this one. This one or Both. दोनों ना सर, क्या पढ़ा रहे हो, टैलेंट नहीं पता क्या कैसा दिखता है, हमारे जैसा दिखता है. क्या पढ़ा रहे हो, हम ये आधी नींद में कर लेते हैं. बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट योर टैलेंट. आगे मूव करते हैं. टू बाय फोर या फिर 1/2 या फिर 50%, वन एंड द सेम, कोई दिक्कत नहीं. ठीक, डाइस की बात कर लेते हैं, इसे अकेलापन लगेगा, है ना. इसमें प्रोबेबिलिटीज 1 से लेके 6 तक के, है ना. अब रिक्वायरमेंट देखते हैं. लेट्स से आई सेड What is the probability of getting a 1? This is 1/6. Probability of getting a 2. This is 1/6. Probability of getting a 3. 1/6. सबका ऐसे ही आता जाएगा. Probability of getting an even number. 3/6. क्यों? क्योंकि मैं क्या मांग रहा हूं? 2, 4 या 6. है ना? Odd would have been 1, 3, 5. अगेन 3/6. ठीक है सर, ये सब आता है हमको. ओके, गिव मी अ सेक.
लेट्स से दिस प्रोबेबिलिटी इज -10। जस्ट वन सेकंड, देखना क्वेश्चन चेंज किया है जो रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले कर रहा था उससे क्वेश्चन चेंज किए। लेट्स से दिस इज द रिटर्न, दीज आर द रिटर्न्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 सेट्स ऑफ रिटर्न दिए हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द इफ दिस इज द ओवरऑल पॉपुलेशन, इफ दिस इज द ओवरऑल पॉपुलेशन, टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिटर्न लेस देन इक्वल टू 3%। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिटर्न मोर देन इक्वल टू 0%, निकालना है, कंप्यूट करना है, तरीका नहीं बताना। क्या करना था इस क्वेश्चन में, गिनना था। आइए देखते हैं, बोल रहा रिटर्न लेस देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से कम है ना। अच्छा अभी तक के हमने पढ़ा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वैसे प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? प्रोबेबिलिटी मींस परसेंटेज, और कुछ थोड़ी ना है ना। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज फ्रैक्शन एक ही तो बात हुई ना। तो अगर अभी तक के मैं बोलूं तो हम क्या कर रहे थे, जैसे एग्जाम में मार्क्स कितने आए, लेट्स से समवन स्कोर्स अ 70 ऑन, लेट्स से समवन स्कोर्स अ 45 आउट ऑफ 50, तो हिज स्कोर वाज 45 बाय 50, तो ये क्या कर रहे थे, यहां पर परसेंटेज निकाल रहे थे। किसी के 45 मार्क्स आए 50 में से, 50 वॉज टोटल अवेलेबल, 50 वॉज वॉट ही गॉट, इट कम्स आउट टू 90%, ठीक है ना। तो परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ परेशान करने के लिए नाम रखा गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां चांसेस काउंट कर रहे हो। अब इसको दूसरे ही तरीके से सोचो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, प्री फैक्टो 80% चांसेस है इंडिया जीत जानी चाहिए। इसी लाइन को दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं, ए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बी व्हाट आर द परसेंटेज चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, वन एंड द सेम थिंग। तो प्रोबेबिलिटी मींस नथिंग एक्सेप्ट चांस और परसेंटेज, कुछ नहीं है इसके सिवा। और अगर ज्यादा अच्छे से बोलूं तो इट इज अ वे ऑफ कंपेरिजन। अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिया का विनिंग चांस 80% है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 मैचेस में से इंडिया 80 जीतता है, बांग्लादेश 20 जीतेगा, है ना, और 20 जीत सकता है ना वो, इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहां क्या करना है, रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय टोटल, यही है ना गेम। तो टोटल केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या सर इजी इजी चीजें कराते, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज 10। तो अब करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये गिनना है सबके लिए, नंबर ऑफ केसेस गिनने हैं। हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज रिटर्न लेस देन इक्वल टू 3, ये सारा आ गया है। ये कितने केस बने, 5 केस, सब में बाय 10 तो करना ही है, ये तो ठीक है ना। रिटर्न मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 0 मींस ये सारे के सारे, तो 8 केसेस। ओ ओके, रिटर्न मोर देन 3, करेक्ट है, रिटर्न मोर देन 0, मुश्किल था ये, हाँ नहीं था ना, ओके सबका सही आ गया था ये प्रिसाइजली, चारों आंसर ठीक, किसके चारों ठीक नहीं आए थे, शो ऑफ हैंड्स, क्या गलती हुई थी,
क्या गलती की थी? ठीक है चलो, नो वरीज नो वरीज, ठीक है ऑल सेट, अब क्लियर है, आगे मूव करें। देखना एक बार, जहां जिस सोर्स से क्वेश्चन ले रहा हूं एक बार मुझे देखने दो, वो एग्जैक्टली क्या टेस्ट कर रहे हैं। लेट अस टेक दिस एज ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड लेट अस टेक दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये दो केसेस ले रहा हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ रहा है देखना, इज लेस देन इक्वल टू 3, करेक्ट। केस नंबर टू देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न बीइंग मोर देन 0, रिटर्न बीइंग मोर देन 0 इज यहां से लेके यहां तक के, सॉरी मोर देन 0 इज दिस मच, ठीक है ना। ये मोर देन 0 है और ये वाला पोर्शन था मोर देन इक्वल टू 3, करेक्ट। लेस देन इक्वल, रिटर्न लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी माय बैड। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब मैं बोल रहा हूं तो लेट मी से दिस, ए और बी, आपकी बुक्स इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कहते हैं, व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी है? कैसे? सर ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, अगर ये एनी लाइक आई डोंट नो व्हाट टू नो वरीज, आप काउंट करके बता दो, टेन आउट ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए और बी? टेन ऑन टेन, 100%। टेक योर टाइम, टेक 2 मिनट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड बी? चलो आपको आपका स्कूल का टाइम याद ही दिला देते हैं। वेन डायग्राम, टोटल पॉपुलेशन, हाँ देखना एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी, ए और बी? तो या तो ए सत्य हो जाए या तो बी सत्य हो जाए, कुछ बचा ही नहीं, सारी केसेस कवर हो जा रहे हैं इसमें, तो दिस इज 100%। ओके, यही लॉजिक से आंसर दे रहे हैं ना आप, ये 10/10 हो गया, आपने ऐसा कुछ कहा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ बीइंग, मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट योर रिटर्न, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को इंटरप्रिटेशन वाइज कैसे डिफाइन करोगे? रिटर्न के टर्म्स में बताओ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मीनिंग क्या पूछ रहा हूं मैं, कब होगा वो? रिटर्न देख के बताओ ना कब होगा वो। रिटर्न शुड बी मोर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 3। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं, रिटर्न शुड बी मोर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन हो गया ना। ये कितने केसेस में हो रहे हैं? दो दो केसेस में, ये 3 और 1, 3%, 1%, ये दो चीजें हो गई, तो 2/10 दिस इज 20%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए और बी, इसको एक बार बोल के बताओ इंटरप्रिटेशन वाइज क्या बन रहा है? Return should be either 0 or 0, return should be either
लेस देन और इक्वल टू 3 और मोर देन 3। हाँ ऐसा इधर लेस देन इक्वल टू 3 और और मोर देन 3 0। है ना पक्का श्योर? दोबारा करते हैं। आई कैन सी द स्केप्टिसिज्म ऑन द फेस इटसेल्फ। देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में किसी को कोई डाउट नहीं है। ये बीच के जो दो है ना इनको निकाल देता हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। लेट मी पुट दीज असाइड। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न बीइंग लेस देन इक्वल टू 3 इज 50%। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न बीइंग मोर देन इक्वल सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न बीइंग मोर देन 0 इज 70%। उसके बाद हमें जिस चीज में कंफर्ट आ गया वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी में। वी आर कंफर्टेबल ऑन दिस। क्यों? क्योंकि हमने बोला है मांग क्या रहा है, ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ये दोनों के दोनों सच हो जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी रिटर्न या तो जीरो से मतलब रिटर्न 0 से ज्यादा हो और 3 से बराबर या कम हो सकता है। तो आर रिक्वायरमेंट इज दिस मच। तो इसमें हमारी इवेंचुअलिटी बनी ये, तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, टोटल ऑप्शंस हैं 10, तो द आंसर इज 20%। यस नो ओके। अब मुझे बताओ लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न, इसका इंटरप्रिटेशन क्या बन रहा है पहले ये बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? should be either less than or equal to 3% or more than 3%. ठीक है। रिटर्न शुड इधर बी लेस देन इक्वल टू 3% मीनिंग दिस मच, या फिर इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0% मीनिंग दिस मच। गिनते हैं एक बार इन इवेंचुअलिटीज को, देखना एक बार ये कितने केसेस हो गए। 7 केसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न बीइंग लेस देन इक्वल टू 3% ये हो गए 7/10 केसेस। वैल्यू जो दूसरा वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न बीइंग मोर देन 0, लेस देन 3% वाले के 5.5। ओके ओके सॉरी या दिस इज 5/10। कैसे? ये सारे काउंट कर लिए 3, 1, 0 -5 -8। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न बीइंग मोर देन 0% ये कौन से हुए? ये सारे करेक्ट। तो ये 7/10 काउंट करती है। लिख के तो ना बताऊं ना जैसे ये लिखा है, नहीं समझ आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जब ये दोनों पूरे हो जाएं तो इसकी इवेंचुअलिटी तो बन रही है 12/10। हाँ या ना? ये तो 12/10 बन रहा है। व्हाई आर यू सेइंग 10/10? क्यों माइनस कर रहे हो? तो यू सी डबल काउंटिंग हो रही है। नाउ यू डिडक्ट दीज टू केसेस। तो प्रैक्टिकली आपने ये किया कि यहां पे लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3% में गिना 3, 1, 0 -5 -8 और उसके बाद मोर देन 0 में गिना 3, 1, 8, 6, 11, 7, 4। और यहां पे तो आपने ये सारे के सारे 10 के 10 केसेस गिने ही थे एज इट इज, जो बेस के लिए गिने थे। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकली आपने काउंटिंग करनी थी और उस काउंटिंग में 3 और 1 को 2 बार गिन लिया था। तो कोई भी 2 को उड़ा देते हैं। लेट अस गेट रिड ऑफ दिस एंड दिस। अब क्या बच रहा है? 5 एंड 5, तो ये आ गया 10/10। हाँ या ना? आपने ये चीज वैसे पढ़ी हुई है, आपने ऐसे पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने ये पढ़ा हुआ था, यू मीन्स और इंटरसेक्शन मीन्स एंड। सर ये आप सिंपल तरीके से नहीं पढ़ाते हो, दिमाग खराब ही है आपका। कुछ नहीं होता, माफी। ठीक है ना? तो आप इसमें से माइनस क्या करोगे? माइनस यू विल डू प्रोबेबिलिटी ऑफ
दैट इज 2/10। तो 5/10 प्लस 7/10 माइनस 2/10, दिस केम आउट टू बी 10/10, दैट इज 100%। क्लियर है? ओके, आगे मूव करते हैं। ऐसे मन नहीं है अभी बोलने का ये दो वर्ड्स, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीटनेस सेक बोल दे रहा हूं। एक वर्ड है एक्सक्लूसिव, एक है एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव जार्गन्स। आइए बात करते हैं। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये दोनों का मीनिंग बताओ मुझे। अगर मैं आपको बोलूं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव, एम आई राइट और रॉन्ग? एंड ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, अब मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अच्छा, ये वर्ड, ये नाम सुना है पहले ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सर मैथ्स में 100 out of 100 थे हमारे 12th में, 10th में भी। अंडर एस्टिमेट किसको कर रहे हो? निकिता, एक्सक्लूसिव है या नहीं है ए और बी? है। और एग्जॉस्टिव? हाँ, हाउ मेनी ऑफ अस नो द आंसर? एक्सक्लूसिव वाला बट एग्जॉस्टिव वाला, एक्सक्लूसिव है या नहीं है? ए एंड बी एक्सक्लूसिव, ए इंटरसेक्शन बी एक्सक्लूसिव। सुनना, एक्सक्लूसिव मींस क्या होता है? नथिंग इन कॉमन। एंड एग्जॉस्टिव मींस क्या होता है? कि जोड़ के प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। तो अगर मैं इस क्लास के लिए बोलूं तो ऑनलाइन फोक्स प्लस फिजिकल अटेंडिंग फोक्स, दीज विल बिकम एग्जॉस्टिव। मतलब इफ आई कंबाइन दीज टू इट विल फॉर्म 100% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, और एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? इफ देयर इज वन द अदर वन इज नॉट देयर। इफ आई हैव टू गो फ्रॉम हेयर टिल गुड़गांव, इधर आई विल टेक अ कार और आई विल टेक अ मेट्रो, दीज आर एक्सक्लूसिव ऑप्शंस। यू चूज वन, द अदर वन इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड, दैट्स एक्सक्लूसिव। ठीक है ना? इसका क्या रिलेवेंस आएगा थोड़ी देर में बात कर लेंगे। आपकी बुक्स में बोलता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है तो ऐसा, ये नहीं तो ये नहीं तो वो, कुछ रटवाना शुरू कर देते हैं। लेट्स नॉट गेट इन टू दैट। सिर्फ दो वर्ड्स कभी आगे यूज आए तो आई डेंट वॉन्ट टू हर्ट द फ्लो एंड देन बिगिन फ्रॉम पॉइंट वन, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये मेंशन कर दिया। वापस चलते हैं अपने डिस्कशन में। मुझे एक चीज बताओ, अब अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी को इसे मैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ हैपनिंग, ये बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। अब सुनिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड? सर ये नहीं समझ आया, दोबारा सुनो। बी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 70%। बी क्या बोल रहा है? देखो, बी बोल रहा है रिटर्न मोर देन जीरो। इट इज टॉकिंग अबाउट दीज पीसेस, सॉरी इट इज टॉकिंग अबाउट दीज पीसेस, सॉरी यार माय बैड, दो तीन बार गलती कर चुका हूं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यस नो? This is probability of B, yes, no? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि B हो रहा है,
इफ बी इज गिवन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग? 25%। क्वेश्चन समझ आ गया? ए गिवन भी पढ़ा हुआ है ना आपने, आपने एक फॉर्मूला के टर्म्स में बोला था, मैं वो फॉर्मूला बोल दूंगा अभी सबसे ठीक आने लग जाएंगे आंसर। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट फॉर्मूला बिकॉज दैट्स द लास्ट स्टेप। यू डोंट, हुआ क्या है, जब ये चीजें कॉन्सेप्चुलाइज की गई होंगी तो सोचा गया होगा, उससे फॉर्मूला बनाया होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, हम फॉर्मूला बना रहे हैं, सोच रहे हैं ही नहीं। सोचना क्यों है, जब फॉर्मूला दिया है एक व्यक्ति ने तो भरोसा नहीं कर सकते क्या? हमारा तो जीवन भरोसे पे टिका है। वी ट्रस्ट, आई एम सेइंग नो, डोंट ट्रस्ट, लेट अस ट्राई टू इवॉल्व। मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं बी हो गया, बी इज देयर, अभी तक के हमें नहीं पता था ए और बी दोनों इवेंचुअलिटीज थी। नाउ आई एम सेइंग बी इज देयर, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, आई एम सेइंग दैट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय पॉसिबिलिटीज, इसमें तो 7 आ ही गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग इफ आई एम टेलिंग यू दैट बी हैज अकर्ड? हाँ, ए क्या मांग रहा था कि रिटर्न लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। वो बोल रहा है ये तो हो ही चुका है, मतलब इनमें से ही कुछ ऑप्शन है, तो इनमें से कितने केसेस में ए ट्रू बैठेगा, ये दो केसेस में, तो व्हाट विल बी माय आंसर? 2/7, यस नो, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग? 7/10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग इज 7/10, है ना? आपने जो पढ़ा है वो बोल दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अगर आप आज से पिछली वीडियोस देखोगे तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था, मैं इसका अगला वर्जन स्ट्रेट करवाता था, जो आपकी बुक जिसे नाम देती है बेस थ्योरम का। I would do the whole goddamn thing, और सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालवाने के बाद मैं कह देता था कि बेस थ्योरम है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, और सबसे आंसर करेक्ट निकलते थे। The only reason that I am following something of an order is कि अगर आप गलती से बुक में देखो और साथ में वीडियोस देख रहे हो तो वो सिंक में रह जाए। I'll still do that discussion over again. मैं उसी तरीके से ही पढ़ाऊंगा, ये जितने फॉर्मूले इसका कोई यूज नहीं करता हूं मैं। For me, this makes no sense. Probability of A by B into B is equal to probability of A over B. This makes no sense in my world. I don't need to say this except for when I'm telling this to you. इसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कर क्या रहे हैं हम at the end of the day? गिन तो रहे हैं। आपकी बुक सिर्फ इतना बोलती है। Your book say this piece. मैं इसका अगला वर्जन भी बोल दे रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी तो होना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, हाँ है ना सर? लग तो रहा है yes. लेकिन हाँ बोलने में दिक्कत है, आप बोलोगे इसको निकाल के बताओ। तो क्या समस्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, अब क्या बोलना चाह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ए तो सत्य है ही है, ए सत्य है मतलब मोर देन इक्वल टू 3 का रिटर्न है ये, इसमें ये बताओ कि बी कब सत्य होगा? 2/5, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, ये बाय चांस सेम आ रहा है, हमेशा सेम ही आएगा बाय डेफिनेशन, ये सेम ही आएगा हमेशा, इसमें कोई ऐसा मतलब यूनिक चीज नहीं कर रहा हूं मैं। आर वी गुड, यस नो, यस सर, पक्का, ओके, आगे मूव करते हैं। दिस पीस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब सुनना, उन टर्म से बोलता हूं जिसमें आप लोग जो पिछले बैचेस से दोबारा सुन रहे हो वो रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, या फिर इवन इफ यू आर फ्रॉम द न्यू बैच और आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो प्रोबेबली विल बी एबल टू रिलेट। नंबर चेंज हो सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी इज 40%। ठीक है, अच्छा क्या क्या हो सकता है, या तो विराट कोहली सेंचुरी मारेगा या तो नहीं मारेगा, ऑफिस ऑफिस दो चीजें हो सकती है ना। अब तुम्हारी तो एज भी हुआ कि देखा ही नहीं होगा ऑफिस ऑफिस, देखा है किसी ने? क्लासिक शोज नहीं देखे ना? नहीं देखा? सर यूट्यूब पे जाना, लिखना ऑफिस ऑफिस, प्रोबेबली द बेस्ट सीरीज that has been made in Indian television ever. It's a satirical comedy on the red tapism in government departments. Beautiful show. No worries. आइए वापस आते हैं. Probability of Virat Kohli hitting a century is 40%. So probability of Virat Kohli not hitting a century would be 60%. ये दोनों कैसे event हैं? Exclusive या exhaustive? Exhaustive. है? एक्सक्लूसिव इवेंट है या एग्जॉस्टिव इवेंट? दोस्तों से एग्जॉस्टिव दोनों है ना लायक। तूने तो एक पे हाथ उठाया, फट पहले वाले पे हाथ उठाया था। चल कोई नहीं, और चार सवाल पूछे कहीं और निपटा देंगे, क्या हो गया? एक बार में मानने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, दिस इज बोथ, this is mutually exclusive and exhaustive na, either he lit a century or not, and the combination of these two will be 100% of the matches. theek hai, acha agar ye century marta hai to the probability of India winning in case he hits a century is 80%. yahan pe samajh aayi gaya hoga kya bolunga? Probability of India winning if he doesn't hit a century. Let's say, कितना? 20. क्यों? क्योंकि यहां 80 आ रहा था. सोचा तो यही था. जरूरी नहीं है. This can be 30%. These two are not mutually exclusive or exhaustive. इसका कोई relationship नहीं बना. दोबारा मैच चालू होता है. If Virat Kohli hits a century, आता भी है ना ये stat. If Virat Kohli hits a century, India wins 60% of the matches. वही. If Virat Kohli hits a century, India wins 80% of the matches. चलो start करते हैं. मुझे बताओ probability of India winning कितनी है? करना है, बोलना नहीं है. इंडिया कौन से केसेस में जीतेगी मुझे ये बताओ. फिर से सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं, प्लीज बी विद मी. अरे सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं, मुझे बताओ केसेस कितने हो सकते हैं. चार केसेस हैं यहाँ पे. विराट कोहली हिट्स अ सेंचुरी, इंडिया विंस. विराट कोहली हिट्स अ सेंचुरी, इंडिया डजन विन. मैं डैश लगा दे रहा हूं. डैश मींस कॉम्प्लीमेंट है वो, मतलब इंडिया विन एंड इंडिया डजन विन वैसा. विराट कोहली डजेंट हिट अ सेंचुरी, इंडिया विंस. रोहित शर्मा भी तो है, शुभमन गिल भी है. यस करेक्ट. हाँ बस सब सही. विराट कोहली डजेंट हिट अ सेंचुरी एंड इंडिया डजेंट विन. बांग्लादेश भी है. ठीक है ना, ये चार केसेस हो सकते हैं. आपको पता ही है, रिक्वायर्ड डिवाइड बाय पॉसिबल. पॉसिबल में तो ये चारों केसेस आ गए. रिक्वायरमेंट में कौन सा केस आएगा? 1, 2, 3, 4. हाँ, फर्स्ट और थर्ड. तो 1.3 डिवाइड बाय 1.2.3.4, बस 50%.
ज्यादा सिंपल दुनिया में नहीं आ गए हम? करके देखो, बताओ। चलो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी इज 40%, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ सेंचुरी 60%। लेट्स से ही मतलब लेट्स से 100 मैचेस आर प्लेड। इजी है ना ऐसा सोचना। 100 मैचेस खेले, विराट कोहली सेंचुरी कितने मारेगा? 40 में। कितनों में सेंचुरी नहीं मारेगा? 60 में। अगर सेंचुरी मार देता है तो इंडिया जीत जाए, ये कितने मैचेस हैं? 40 का 80%, 32 मैच जीत गई इंडिया। हाँ कि ना? और इंडिया नहीं जीती मतलब लॉस्ट, ये हो गए 8 मैचेस, है ना? विराट कोहली के सेंचुरी नहीं मारने के बाद भी इंडिया जीत गई। सॉरी, ये कितना है? 40 into 25%। नया नया ना शुभमन गिल। 10 आएगा ना? क्या बोल रहे हो? 16 to 14। अच्छा, सॉरी, ओके ओके। 60 into 25% बाय 4, 15 है ना? एंड इंडिया नॉट विनिंग मतलब इंडिया लॉस्ट इन 45 केसेस, यही होगा ना? यस नो। इंडिया विनिंग कितने केस में आ रहा है? दिस एंड दिस। इंडिया विनिंग इज 47/100। यस नो? श्योर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया नॉट विनिंग? फिफ्टी 3%। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप कर सकते थे 8 + 45 बाय 100, दैट इज 53%। यस नो? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी एंड इंडिया विनिंग, एंड इंडिया विनिंग लिखना है बस, बोलना नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी एंड इंडिया विनिंग। इंडिया ये वाला केस? यस नो? इंडिया ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी और इंडिया विनिंग। देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी और इंडिया विनिंग। विराट कोहली कौन से केसेस में सेंचुरी मार रहा है? इसमें मार रहा है मतलब ये दोनों आ गए, और इंडिया विनिंग। इंडिया विनिंग ये भी था। 32, 8, 40 और 15, 55। मुश्किल चीज है ये। नहीं और हम बताओ किस नंबर के आगे, किस नाम के आगे क्या नंबर लिखा हुआ, ये पूछ रहा हूं मैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत थी? ये आ गया 55/100। आपकी बुक्स क्या कहती है देखना? बोलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी, ये आ गया 40%। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग, नहीं। 47%। प्रोबेबिलिटी ऑफ वीके
इंटरसेक्शन आई डब्ल्यू 32%, 40 + 47 - 32 55%। बुक्स ये कहती है, मुझे नहीं पता क्यों कहती है। सिंपल है, गिनी लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट कोहली नॉट हिटिंग अ सेंचुरी एंड इंडिया नॉट विनिंग 45, यही वाला है और क्या, विराट कोहली नॉट हिटिंग अ सेंचुरी इंडिया नॉट विनिंग, दिस इज 4500। और इसमें उतना सोचने की चीज भी नहीं थी, क्योंकि तो दोनों में से कुछ भी हो जाए तो यहां कवर हो गया, तो क्या बचा, दोनों ही ना हो तो यहां आ गया वो, तो 1 माइनस ऊपर वाला ही होना था। यस नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग गिवन दैट विराट कोहली हैज हिट अ सेंचुरी इज, देख के आराम से आंसर करो, जल्दी तो है ही नहीं, जल्दी तो है ही नहीं, आपको अपने नोटबुक में लिखना है ये चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग गिवन दैट विराट कोहली हैज हिट अ सेंचुरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग गिवन दैट विराट कोहली हैज हिट अ सेंचुरी, आपको लिखना है बस, बोलना नहीं है। आपके आंसर देने से आपके पड़ोसियों को एक सही या एक गलत आंसर पता चल जाता है, उसे बस ये नहीं पता होता कि आंसर सही है या गलत। मीनिंग लेट्स नॉट इन्फ्लुएंस आवर नेबर्स। मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग गिवन दैट विराट कोहली हैज हिट अ सेंचुरी, ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में पहले, ये गिवन नहीं था पहले क्वेश्चन में, तुम क्या निकाल रहे थे बैठ के। सर हमें तो आपने कुछ करने बोला तो करके दिखाएंगे ना, ऐसे थोड़ी आंसर लिख देंगे सीधा। मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग गिवन दैट विराट कोहली हैज हिट अ सेंचुरी, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी है तो बेस में क्या जाएगा, 40, बेस में क्या जाएगा 40, एंड उसमें इंडिया विनिंग इज 32, अगर कंप्यूट करते तो भी 32/40 आना चाहिए था, तो भी 80% आना चाहिए था, मान लो आपका कंप्यूट करने का मन था तो आपने 32 चुना वो ठीक है, बट बेस 100 रहेगा, ऐसा थोड़ी बोला है माँ सरस्वती ने, माँ सरस्वती कह रही है बुद्धि लगानी है, कह रहे नहीं डिवाइड बाय तो 100 ही होता है, हमने रट लिया, ऐसे थोड़ी होगा यार। एज पर क्वेश्चन ही 40% था ये, 80 सही, हाँ लड़ लो, खुद कॉन्सेप्चुअली गलत कर रहे हो, मैंने टाइपो कर दिया तो लड़ रहे, रुक अभी बदला लेंगे। Probability of Virat Kohli hitting a century given that India has won. Probability of Virat Kohli hitting a century given that India has won. देखना एक बार, प्रोबेबिलिटी दैट विराट कोहली हैज हिट अ सेंचुरी गिवन दैट इंडिया हैज वन, इसमें पॉसिबल रिक्वायरमेंट बाय पॉसिबल, यही थे दो केसेस, पॉसिबल केसेस कितने, गिवन दैट इंडिया हैज वन 47 केसेस, अच्छा इसमें कौन कौन से केसेस आ रहे हैं, इंडिया विंस विथ विराट कोहली सेंचुरी, इंडिया विंस विदाउट विराट कोहली सेंचुरी, और न्यूमरेटर में क्या चाहिए, इंडिया विंस विथ विराट कोहली सेंचुरी, है ना, ये कितने केसेस हैं, 32/47, दिस इज द आंसर, ठीक है, जो भी आता है डिवाइड करके, वो 68 68 40 नहीं है 32,
कोहली सेंचुरी मार रहा विराट कोहली सेंचुरी मार रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है उसके लिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने बता दिया कि इंडिया जीत चुका है, चार केसेस हो सकते थे टोटल, ये चार केसेस हो सकते थे। अब मैंने तुम्हें बोला, मान लो आज नहीं कल वाले मैच की बात करते, उसके पिछले इंडिया पाकिस्तान की बात करते, ठीक है ना, मैंने कहा इंडिया जीत चुका है, इंडिया जीत चुका है मतलब या तो ये कैसे या तो ये कैसे, ठीक है। मैंने, तुमने मैच नहीं देखा, तुम सिर्फ मुझे सुन रहे हो एक दिन बाद, मैंने कहा कल इंडिया जीत गया, अब बताओ क्या चांस है कि विराट कोहली ने सेंचुरी मारी होगी। तो दो ही केस बचते हैं, इंडिया जीत गया विद सेंचुरी, इंडिया जीत गया विदाउट सेंचुरी, है ना। दोनों के टोटल मिला के केस कितने थे, 47, क्योंकि इंडिया के जीतने के टोटल कितने चांसेस थे, 47%, हाँ कि ना। 47 में से 32 में विराट कोहली जिता रहा था, 15 में वो नहीं जिता रहा था, गिल, रोहित शर्मा, जडेजा सब मिलके जिता रहे थे, है ना। ऐसे सचिन तेंदुलकर बोलना था यहाँ पे, ठीक है, बट ठीक है, नो वरीज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 47 मैचेस की टोटल टोटल इवेंचुअलिटीज ही 47 बचे हैं, 53 तो मैंने ही एलिमिनेट कर दिए, बचे ही 47 है। ये 47 में से कितनों में विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई है, 32, हाँ या ना, 32 ओवर 47, यस नो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विराट कोहली हिटिंग अ सेंचुरी और विराट कोहली नॉट हिटिंग अ सेंचुरी। विराट कोहली और दिस इज 100%, विराट दिस इज इट, इसके सिवा कुछ है नहीं आपकी बुक्स में, मतलब ये बुक की औकात से बाहर की चीजें कर चुके हैं। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला वीडियो यही एंड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं, दैट वुड बी इट, ठीक है, लेट मी स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर।